नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सिनेमा की दुनिया से एक बुरी खबर आ रही है। दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी का निधन हो गया है। गीता देवी ने दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। मनोज बाजपेयी की मां दिल्ली के वसुंधरा इनक्लेव स्थित धर्मशिला कैंसर अस्पताल में भर्ती थी। गुरुवार सुबह उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सूत्रों की माने तो मनोज बाजपेयी की मां दिल्ली के अस्पताल में पिछले एक हफ्ते से भर्ती थी। आज सुबह उनके निधन की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था और वो पहले से बेहतर हो रही थी, लेकिन बीती रात उनकी हालत बिगड़ गई और आज सुबह उनका देहांत हो गया। बता दें कि मां के आखिरी वक्त में मनोज बाजपेयी उनके साथ थे। हालांकि ये मनोज बाजपेयी के लिए कठिन वक्त होगा। बीते साल अक्टूबर में ही मनोज बाजपेयी ने अपने पिता को खो दिया था। इस खबर के आने के बाद फिल्म जगत में शोक का माहौल है। सभी लोग उनके बुरे वक्त में मजबूती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनोज बाजपेयी और उनकी मां की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।